गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था क्रिया। क्रिया के बारे में हमने जाना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद में हमारा जो आगे बात चल रही थी वो थी प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें आप सबने जान लिया कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के हम 8 भेद पढ़े हैं, जिनमें से हमने 6 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसमें से हमारी जो क्रिया का पहला जो भाग था प्रयोग संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, जिसमें आपने ये जाना कि सामान्य क्रिया में एक कर्ता और एक क्रियापद होता है। उसके बाद में जो दूसरी क्रिया थी वो थी अपनी संयुक्त क्रिया, जिसमें आपने जाना कि संयुक्त क्रिया में एक कर्ता और दो क्रियापद होते हैं। इसके अलावा आपने जाना कि तीसरी जो क्रिया थी वो थी अपनी पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें आपने देखा कि एक कर्ता और दो क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में जो अगली क्रिया थी वो थी अपनी प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें दो कर्ता और एक क्रियापद होता है, जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके अर्थात एक कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अर्थात दूसरे से काम करवाता है। और इसके बाद में जो अगला भेद पढ़ा वो हमने पढ़ा सहायक क्रिया का, यानी जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की क्या करे, सहायता करे, वो सहायक क्रिया होती है। इसके अलावा एक भेद पढ़ा हमने सजातीय क्रिया, यानी वाक्य में जहां पर क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने हुए हो, एक ही धातु से निर्मित हो, तो प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है वो सजातीय क्रिया कहलाती है। इसके बाद में हमारी जो चर्चा चल रही थी वो थी कृदंत और नाम धातु क्रिया के ऊपर, जिसमें हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि जो नाम धातु है वो क्या है और जो कृदंत है वो क्या है। हमने जाना था कि नाम धातु किन्हें कहते हैं, कि जब वाक्य में क्या होता है कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में हम उनको धातु की तरह प्रयुक्त करते हैं और उनसे जो धातु बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, और उन नाम धातु में प्रत्यय जोड़ देने से जो क्रियापद बनेगा वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नाम धातु क्रिया। देखिए, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ देने से बनती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी बात की हमने कि जब कोई शब्द आए और वो शब्द क्या हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, तो इन तीनों से जो बनने वाला क्रियापद होगा, अर्थात जब इन्हें धातु की तरह प्रयुक्त किया जाए तो ये नाम धातु कहलाएंगे, और इनमें जब प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला जो क्रिया का रूप होगा वो नाम धातु क्रिया कहलाएगा। जैसे संज्ञा हम किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं, नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और नाम और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से ये जो तीनों पद हैं वो नाम से संबंधित है, इसीलिए हमने लिखा है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ देने से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी ये नाम से संबंधित है, नाम है ये, इसीलिए इनसे बनने वाली जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो
कैसे क्रिया का निर्माण होगा, जैसे देखिए जैसे कोई शब्द आए, जैसे शब्द है हाथ, इससे जो बनने वाला रूप होगा वो बनेगा हथियार। हाथ शब्द से जो बनने वाला नाम धातु क्रिया का रूप होगा वो होगा हथियार। हाथ शब्द संज्ञा शब्द है और इसे संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द से जो बनने वाला नाम धातु रूप है वो है हथिया, और हथिया में ना प्रत्यय जोड़ने से हथियाना क्रिया का रूप संपन्न होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक सर्वनाम शब्द होता है अपना, इससे जो बनने वाला नाम धातु रूप होगा वो होगा अपना, और अपना में जब ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनने वाला शब्द होगा नाम धातु रूप क्रिया होगी वो होगी अपनाना। ठीक इसी प्रकार से एक विशेषण है चमक, चमक से बनने वाला जो शब्द होगा वो चमकना या चमकाना। इसी प्रकार से बनने वाला जो शब्द होगा आगे वो होगा, जैसे रंग से बनाएंगे हम रंगी या रंगीला, इसके बाद में अन्य शब्दों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बनने वाले शब्द हैं वो सभी शब्द क्या होंगे, नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगे। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है अपनी किसके ऊपर, कृदंत क्रिया के ऊपर। यानी अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि नाम धातु क्रियाएं किन्हें कहते हैं, नाम धातु क्रियाएं किन्हें कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है गर्म, उससे क्या नाम धातु क्रिया रूप बनेगा, गर्माना। ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसे गर्माना रूप बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द हो और उनमें कोई प्रत्यय जोड़ दें और उस प्रत्यय से जो शब्दों का निर्माण होता है, जो क्रियापद बनता है, बनने वाला क्रियापद क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया कहलाता है। इसके बाद में जो अगली बात आती है वो आती है कृदंत क्रिया के ऊपर। कृदंत क्रिया किसे कहेंगे, तो कृदंत के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी कि कृदंत क्रियाएं किन्हें कहेंगे, कि वे क्रियाएं जो क्या हो, वे क्रिया जो क्या हो, किससे संपन्न हो, धातु में प्रत्यय जोड़ देने से बनती हो, धातु में प्रत्यय जोड़ देने से बनती है, क्या कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। कैसे, देखो आपने देखा होगा धातु है, जैसे मान लो चर धातु है, चर धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो चलना क्रिया का रूप बना। इसके अलावा जैसे चर धातु है उसमें मैंने चलता प्रत्यय जोड़ दिया तो चलता रूप बना। इसके अलावा मैंने चल धातु में आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या रूप बना, चला। इसके अलावा मैंने चल धातु में कर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या रूप बना, चलना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो धातुएं होती है वो संस्कृत में प्रयुक्त होती है, अर्थात संस्कृत की जो धातुएं उन्हें हिंदी में हम प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद बना लेते हैं। ये हमने पूर्व में जाना है कि किस प्रकार से धातुओं में हमने प्रत्यय जोड़ करके उन्हें हिंदी में क्रिया के रूप में प्रयोग में लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग
कि हमने जब धातु की बात की थी शुरू में क्रिया के रूप में, तब यहाँ पर केवल ना प्रत्यय की बात की थी, तो केवल जो ना प्रत्यय से बनने वाले होते हैं वो क्रिया रूप होते हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रत्यय के रूप से बनने वाले शब्द हैं वो सब कृदंत क्रिया के रूप होते हैं। तो जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, और जैसे आप ले सकते हो पढ़ शब्द ले सकते हो, इसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा तो पढ़ना रूप बनेगा, या ठीक इसी प्रकार से पढ़ में ता जोड़ोगे तो पढ़ता, इसी प्रकार से लिख में जोड़ोगे आप तो लिखता या लिखना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कृदंत क्रियाएं बना सकते हो। तो आपके ये बात समझ में आई होगी कि जो क्रियाएं कैसे संपन्न होगी, यानी जो धातुएं होती हैं संस्कृत भाषा की, उन्हें हम ना प्रत्यय जोड़ करके हिंदी का क्रिया रूप बना देते हैं, क्रियापद बना देते हैं। तो ना जो प्रत्यय जोड़ते हैं उससे बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो भी रखी तो कृदंत के अंतर जाती है, लेकिन इसके अलावा और बनने वाले जो सारे रूप हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, कृदंत के अंतर्गत आएंगे। यानी सारे के सारे जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं में हम क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, उनसे बनने वाला जो क्रिया रूप होगा वो क्या कहलाएगा, कृदंत क्रिया। यानी ये सारे के सारे जो रूप है किसके रूप है, कृदंत क्रिया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द से बनने वाला क्रियापद है तो वो तो नाम धातु क्रियापद कहलाता है, और धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके बनने वाला जो रूप होता है क्रिया का वो कृदंत क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से ये बात महसूस कर पा रहा हूँ कि आप सबको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है। यानी दोनों में प्रत्यय जोड़ेंगे लेकिन एक जगह क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम से पद का निर्माण होगा, और दूसरी जगह क्या होगा, जो धातु होगी उसमें प्रत्यय जोड़ देने से क्रियापद का निर्माण होगा। लेकिन दोनों में फर्क इतना रहेगा कि एक जगह नाम से क्रियापद बनेगा इसलिए उसे नाम धातु कहा गया, और एक जगह क्रिया से क्रियापद बनेगा इसलिए उसे क्या कहा गया, कृदंत क्रिया कहा गया। तो ये बात आप सबके भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो अपना जो प्रयोग संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा जो अगली बात आएगी वो आएगी अपने काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए, तो आप सभी जानते हैं कि काल कितने होते हैं, आप सभी जानते हैं कि काल कितने होते हैं, काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के काल होते हैं। तीसरी जो बात आई अपनी वो आई काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद। आप सभी भली प्रकार से जानते हैं कि काल कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद भी कितने होंगे, तीन होंगे। यानी कैसे कहेंगे कि जो क्रिया जिस काल में संपन्न होगी होती है उसके आधार पर क्रिया के संपन्न होने के आधार पर, यानी जो क्रिया जिस काल में संपन्न होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया।
तो क्रिया किस जिस काल में संपन्न होती है उसके आधार पर क्रिया के तीन भेद किए गए। क्रिया के तीन भेद कौन कौन से देखो, पहला होता है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान से आप सभी अर्थ समझते हैं कि क्रिया का वह इसके गठित होने का समय वर्तमान हो या जिसके गठित होने का समय वर्तमान में आदि गठित हो रही उसके आधार पर उसे यानी क्रिया का वह रूप जिसके घटित होने का समय वर्तमान हो या वर्तमान समय में जिसके घटित होने का पता चले उसके आधार पर उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए जैसे यानी कोई क्रिया है जो जिसके घटित होने से उसका समय पता चल रहा है कि वह अभी घटित हो रही है, जैसे गांव क्रिया का वह रूप जिससे उसके संपन्न होने का क्रिया का वह रूप जिससे उसके संपन्न होने का मालूम हो कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके संपन्न होने का मालूम हो कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है उसे भूतकालीन क्रिया कहते हैं। और देखिए जैसे सुरेंद्र जयपुर गया
डिजाइन करें। मैं कहानी भूपेंद्र कहानी लिखता था या इसे यू कह सकते हैं भूपेंद्र ने कहानी लिखी। प्रस्तुत जो वाक्य है उनमें गया और लिखी दोनों जो क्रिया के रूप है वो कौन से काल में संपन्न हो रहे हैं? भूतकाल में, अर्थात जयपुर चला गया और कहानी लिख चुका है, कहने का कहानी लिखी पहले लिख चुका है, इसलिए दोनों जो वाक्य हैं उनमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? भूतकालिक क्रिया, यानी जिस काल में जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो उसी काल की क्रिया कहलाएगी। इसके बाद में तीसरा भेद होता है वो होता है अपना भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा जो भेद होगा वो होगा भविष्यकालिक क्रिया। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है भविष्यकालिक क्रिया। वह क्रिया जिससे उसके भविष्य काल में या आने वाले समय में गठित होने का मालूम हो या पता चले उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम जयपुर जाएगा या हरीश खाना खाएगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये दोनों क्रियाएं जाएगा और खाएगा ये दोनों जो क्रिया के रूप है वो कैसे हैं? वर्तमान समय में नहीं होकर के भूतकालिक समय में नहीं होकर के कौन से समय का आभास दे रहे हैं? भविष्य काल का आभास दे रहे हैं, इसलिए प्रयुक्त होने वाली जो दोनों क्रियाएं हैं वो भविष्यकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। इस प्रकार से आपने जाना कि क्रिया के जो प्रकार हमने पढ़े हैं किस किस के आधार पर, कर्म के आधार पर जिसपे हमने दो भेद किए गए सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उसके बाद में प्रयोग में संरचना के आधार पर हमने आठ भेद पढ़े हैं और उसके बाद में काल के आधार पर हमने क्रिया के तीन भेद पढ़े हैं। इस प्रकार से हमारा जो क्रिया बिंदु है वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम आपके सामने एक नए बिंदु के साथ में उपस्थित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके ये क्रिया बिंदु भली भांति समझ में आ गया होगा और जब आप इससे संबंधित सारे बिंदु पढ़ेंगे हल करेंगे तो आपके जो सारे प्रश्न हैं जो हल नहीं हो पा रहे वो सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी निरंतर अध्ययन में लगे रहेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा और निरंतर पढ़ते रहने से सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अगली कक्षा में हम एक नए बिंदु के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।